अस्सलामुअलैकुम। तो हमने दिन में व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि हम लोग बहुत बिजी हो गए थे, नमाज पढ़नी थी इस वजह से और बहुत सारा काम भी था, तो हम नहीं बना पाए थे व्लॉग। अब मैं बता रही हूँ कि जो शबे बरात वाले दिन मिठाई बनती है ना फातिया होने के लिए, वो हम मिठाई बनाने स्टार्ट कर दी है। तो मैं दिखा सकती हूँ आपको कि मिठाई कैसे बन रही है। आप लोग देख सकते हैं हमारा हलवा रेडी हो चुका है, हलवा और मिठाई दोनों बनेगी। और ये मिठाई और हलवा फलक बाजी बना रही है, मेड बाय फलक दृषि। माशाल्लाह कितना सुंदर लग रहा है। तो ये वो बर्फी के लिए जो कतलियां बनती है ना, वो रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं स्ट्रगल गरम गरम में। ये रेडी हो चुका है और अब इसकी कटिंग हो रही है बर्फी की शेप में। ये देखो घर में रोशनी करते हैं इस वजह से, मोमबत्ती का डेकोरेशन कर रहे हैं। लाइट हम बाद में लगाएंगे क्योंकि हम भूल गए थे लाना। जोया यहाँ लगा रही है, हम पूरा घर को रोशनी से भर देंगे। अभी लाइट पापा लेने गए हैं, बताया था ना जोया ने कि हम भूल गए थे, तो पापा लेने गए। जोया लगा रही है, देख ही रहे होंगे आप लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह जरा फिर से बोले आपने क्या बोला था? अल्हम्दुलिल्लाह बोला था ना, पापा लाइट्स लेने गए हैं तो ये लोग लगा रहे हैं लाइट्स, पापा और अब तो ये, और ये पागल ये भी हेल्प करवा रहा है, ही करवा रही हेल्प वगैरह। फाइनल रिजल्ट देख रहे हो आप लोगों को, अगर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करना। ओके, हमने आप लोगों को दिखाया था ना मिठाई वगैरह सब चीज़ क्या क्या हमने किया। और फिर अब हम आपको देखो, अभी हमने आपको दिखाया शबे बरात, अब हम शबे रात दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग। शबे बरात की के लिए जो फातिया के लिए हम वो हलवा और मिठाई बनाते हैं ना, वो दिखाइए आपको बनाते हुए। तो अब हम अगला ब्लॉग डालेंगे क्या रोजा करेंगे रखने के लिए, जो हम जगते हैं पूरे शबे बरात वाले दिन की जो इबादत करते हैं वो सब दिखाएंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। सो बाय।